नमस्कार दोस्तों, आपका विंग्स फ्लाई हाई में दोबारा स्वागत है। दोस्तों, मैंने आज आर एस प्री 2018 जो 5 अगस्त 2018 को जो परीक्षा आयोजित की गई है उसका क्वेश्चन पेपर सेट ए मैंने अपलोड किया आप लोगों के लिए। तो जिन अभ्यर्थियों ने अपना ये आर एस प्री एग्ज़ाम दिया है उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने जो करेक्ट आंसर किया है कमेंट्स में लिखें कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, ताकि जितने भी लोग हैं 5,10,000 उम्मीदवार जिन्होंने अप्लाई किया था वो अपना क्वेश्चन पेपर मैच कर लें कि उनके कितने मार्क्स आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं आर एस प्री 2018 5 अगस्त 2018 को हुआ है और ये इंस्ट्रक्शन है, 3 घंटे का था। तो अभी ये देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो आप लोग जिन लोगों ने कोचिंग की थी आर ए एस की, जैसे स्प्रिंग बोर्ड चाणक्य अकेडमी से, तो ऐसे कोई क्वेश्चन इसमें नहीं आया है। इसमें ज़्यादातर अवेयरनेस के आए हैं और जीके से रिलेटेड आए हैं, बाकी इसमें कोई हिंदी और इंग्लिश ग्रामर से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, कमेंट्स में आप ज़रूर आंसर लिखिएगा। जैसे कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ नॉट वर्क इन राजस्थान हाई कोर्ट एज जज? जस्टिस ए के माथुर, जस्टिस एन एम कासलीवाल, जस्टिस आर एस लोहाटी, जस्टिस बी एस चौहान। तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन नंबर 1 डाल के उसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। मैं आगे चल रहा हूँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसका सीक्वेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैज बीन कैप्ट अंडर द परव्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी के अंदर कौन सा आपका इसमें वस्तु आती है? नीति आयोग, इन टर्म्स ऑफ शेयर इन फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी इनफ्लोज इन इंडिया ड्यूरिंग 16-17, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज ऑन द टॉप? जापान से या यूएसए या मॉरिशियस या सिंगापुर, इनमें से कौन सी कंट्रीज है जो अपने इंडिया के जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदती है, इक्विटीज बल्क में, इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं इनको? तो मेरे हिसाब से तो यूएसए ही होना चाहिए, क्योंकि यूएसए के बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, ऑनलाइन परचेस करते हैं शेयर्स और कमोडिटीज। चलिए लोगों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, री इंजीनियरिंग विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, इट बीइंग लेवरेज टू प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एज इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट लोअर कॉस्ट, आंसर यही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, Under the constitutional provisions on a bill, recommendation of the governor was required, but without recommendation of governor, it was introduced in Rajasthan Legislative Assembly and passed by it and sent to the governor now. Option देखिए, मेरे हिसाब से तो बी था। अब आप आगे देखिए, which one of the following is not included in the revenue account of union budget? Small savings, 11th 5-year plan emphasized on, इकोनॉमिक ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 12, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज कॉस्ट बाय शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, बोथ ए एंड बी माइट बी करेक्ट। विच इज द बेस ईयर ऑफ राजस्थान जनरल होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें 2011-12 होना चाहिए था। चलो देख लो दोस्तों, इसमें से अभी मैं आंसर की बाद में अपलोड करूँगा, तो अभी तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं वो कमेंट्स में सिर्फ क्वेश्चन के साथ आंसर लिखें, ताकि सभी लोग अपने आंसर्स मैच कर लें, राइट दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 14, ग्रोथ रेट ऑफ जीएसटीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कॉन्स्टेंट प्राइजेस 2011-12 फॉर द ईयर 2017-18 इन राजस्थान वाज 6.23%, 7.16%, 10.67%, 4.5%, आई थिंक 6.23 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैज द हाइस्ट इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी, कोटा ही हो सकता है। राजस्थान गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश द फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी इन द स्टेट, वेयर वॉज इट इस्टैब्लिश, जयपुर होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ऑफ राजस्थान इन टूरिज्म सेक्टर? मेडिकल टूरिज्म होगा इसमें सही से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ऑयल फील्ड ऑफ राजस्थान? ऐश्वर राय। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ राजस्थान इज नॉट कवर्ड अंडर नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम? स्वरूप सागर लेक। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दोज हैविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंटल इनकम एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन प्रीवियस एग्जामिनेशन दैट एग्जामिनेशन इज लेस देन 2.5 लाख एट लीस्ट 55%। आई थिंक सो। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम प्रोवाइड मैक्सिमम रेवेन्यू इन द रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ राजस्थान बजट इन रिसेंट ईयर्स? स्टेट्स टैक्स रेवेन्यू। आई थिंक सो। मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाई एशियन डेवलपमेंट बैंक? आई थिंक सो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम हैज बीन मेड कंपल्सरी इन राजस्थान? नर्मदा कनाल प्रोजेक्ट। जी इज करेक्ट। आई थिंक सो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन सेलुलस फाइबर? आई थिंक जूट। ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 26। द वेव्स यूज इन कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल आर इंफ्रारेड रेज? आई थिंक सो। क्वेश्चन नंबर 27। विच मेटल इज जनरली यूज फॉर कॉपर कॉन्टेमिनेशन? जिंक। वेव्स ऑफ द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज नॉर्मली प्रोपगेट बाई मीन्स ऑफ स्काई वेव्स? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वावलंबन योजना इन राजस्थान टू इम्पार्ट ट्रेनिंग फॉर अनएम्प्लॉयड पर्सन्स? क्वेश्चन नंबर 29 का दोस्तों मेरे को नहीं मालूम करेक्ट आंसर, तो अभी आप ये मत सोच लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ वो करेक्ट होगा। अभी टाइम लगेगा, एक दो दिन में इसमें सारे के सारे आंसर्स हमें करेक्ट मिल जाएंगे। तो आप मेरा वीडियोस को देखते रहिएगा, शेयर करें, कमेंट करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ताकि जब जैसे ही मेरी आंसर की तैयार हो जाएगी 100%, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप सारे जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं अपने क्वेश्चन चेक कर सकते हैं कि कितने आपके करेक्ट हैं कितने नहीं हैं। तो उसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप RAS प्री 2018 में सिलेक्शन आपका मेंस के लिए होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, ब्लूटूथ के बारे में था, ब्लूटूथ और वाईफाई से रिलेटेड था ये क्वेश्चन। तो मैंने तो ये लिखा था, ब्लूटूथ यूजेस 2.4 GHz रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड वायरस वाईफाई कैन यूज़, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3rd में फोर्थ बन नहीं रहा था, तो 2 ही सही लग रहा था मुझे। क्वेश्चन नंबर 31, इसका मैंने 1 लिखा है आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉली हर्बल प्रोडक्ट हैज़ नॉट बीन डेवलप्ड बाई द DRDO? एग्जिट कर दिया है मैंने, एग्जिट द मशीन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन बलून एलजेब्रा। हाउ मैनी सेटेलाइट्स वेर लॉन्च सक्सेसफुल बाई PSL C-37 इन ए सिंगल? 104 हो सकता है, मेरे को नहीं लगता। ए पार्टिकल हैविंग एट लीस्ट 1 डायमेंशन लेस देन 10⁻⁷ मीटर इज नोन हैज, पता नहीं माइक्रो पार्टिकल लिखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 30, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 माइट बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 37। इन ह्यूमंस ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर? आई थिंक सो, हेमोफीलिया। द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस टू डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सपोर्ट ह्यूमन एक्टिविटीज इज रेफर टू एज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इंडियाज़ फर्स्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल इंडिजीनियसली डिजाइन एंड डेवलप्ड बाई डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इज, मतलब अस्त्र कर दिया इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोन इन नॉन फॉरेस्ट एरिया हैज़ बीन ओमिटेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ट्रीज इन द इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2017? कैंच कर दिया मैंने इसको। द बेसिस ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग इज DNA पॉलीमॉर्फिज्म। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड दुर्गापुरा जयपुर, टोंक रोड पे ही है बिल्कुल, B2 बाईपास के पास में होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू कॉम्पोस्ट? इसमें दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर मुझे नहीं मालूम दोस्तों, चलिए वैसे तो नॉर्मल होगा यार। क्वेश्चन नंबर 44, सोलर ऑब्जर्वेटरी इन राजस्थान इज लोकेटेड एट अजमेर। विच अमंग द फॉलोइंग एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रीजन? आई थिंक नाइट्रोस ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड।
consider the following statement. Should there be recruitment in government services on the basis of past academic performance rather than through competitive examination? Or argument says isme yes, it will be beneficial for those candidates who are unable to bear the expenses of competitive examinations. No, the past academic performance cannot be made the basis of recruitment because there is no uniformity in the assessment by the universities. So I think B is correct. So iska answer hoga question number 4. All branches are flowers. All flowers are leaves. Pani 2, third or fourth ho sakta hai iska answer. Option 2. Question number 48. In this question, a statement is followed by two assumptions. Statement, assumption. Iska answer kya likha dosto? Fat people have weak muscles. Fat people generally cannot run fast. Though he is fat, yet he runs fast. Only second is implied in the statement. Ek maths ka question aa gaya, 49. The difference between the number of triangles and number of parallelograms in the following figure. का तो थर्ड है ऑप्शन सही बिल्कुल करेक्ट 100% करेक्ट है इसका ये वी एक्स फाइव यू होना चाहिए वाई एक्स इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है 52 का 53 का स्टेटमेंट विथ टू कोर्सेस ऑफ एक्शंस इज गिवन बिलो लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैव गो उन्होंने मास कैजुअल लीव्स इन ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंपनीज न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी आई थिंक ऑप्शन फर्स्ट ओनली वन इज फॉलोस क्वेश्चन नंबर 54 सन नेफ्यू अंकल ग्रैंडसन पुरानी क्वेश्चन नंबर 55 मैथ्स के क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 56 57 58 59 इसका तो सही आंसर सेकंड है 59 का सेकंड आंसर बिल्कुल करेक्ट है 60 87,400 आना चाहिए था इसमें पता नहीं ए सम ऑफ अमाउंट एट सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इन 3 इयर्स इन 9 इयर्स इट विल बी के टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल प्रिंसिपल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के आई डोंट नो क्वेश्चन नंबर 62-63 स्कूटर इसका पता नहीं कौन सा ऑप्शन आया था 64 the population of small state is 926,100 if it increases at the rate of 5% per annum what was the population 2 years ago don't know a new software has been launched by the Assam government for monitoring a seasonal and non communicable disease as well as the trends of ailment forms in specific areas what is the name of this software I think Nirwan the team of China has won the 2018 BWF Thompson's Cup 13th edition. It defeated the team of which country in the finals? I think India. And India. Indian American woman has been named as the chief finance officer of the General Motors, the largest automaker of the United States of America. What is her name? Iska newspaper mein aaya tha Deepika Suri Barman ho sakti hai. Why was Sarad Kumar, former director general of National Investigation Agency, was in news recently? Shayad usse Jammu Kashmir ka गवर्नर बना दिया गया हो राइट ही हैज बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिल्कुल सही है शरद कुमार को नहीं श्योर नहीं है क्वेश्चन नंबर 69 द फॉलोइंग पाई चार्ट्स प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट द ब्रेक अप ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली अंडर डिफरेंट हेड्स एंड इट्स सेविंग्स इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई क्वेश्चन नंबर 70 मेगा फूड पार्क ऑफ राजस्थान एस्टैब्लिश इन मार्च 2018 इट इज लोकेटेड एट रूपनगढ़ इन अजमेर करेक्ट आई थिंक सो क्वेश्चन आंसर थी ओनली सी इज करेक्ट आई थिंक सो 71 सिंगापुर वेयर वाज द हिस्टोरिक मीटिंग बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड नॉर्थ कोरिया लीडर किम जोंग यून वाज हेल्ड इन जून 2018 कहाँ पे हुई थी इनकी मीटिंग सियोल में हुई थी या पियोंगयांग में हुई थी या सिंगापुर में आई थिंक सिंगापुर में हुई होगी
The 22nd edition of the Malabar Trilateral 2018 beside Indian. Which other two countries took part in this exercise? I think Russia and Japan ho sakta hai. Haryana government has launched a 7-star Gram Panchayat Rainbow Scheme. Ye bhi outer se hai, humne to pink maar diya, mujhe pink ki ladkiyon ko pasand hai. Which state has started a scheme called Kanyavan Smriti Yojana? हमने तो राजस्थान ही लिख दिया, मगर राजस्थान से रिलेटेड होना चाहिए कुछ तो क्वेश्चन. ऑन 24 जून 2018 इंडियाज टीम ऑफ 4 पैरा स्विमर्स, इसमें हमने वीरेंद्र कुमार डाला है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग हाउ मच सोलर पावर कैपेसिटी ऑफ द ईयर 2020. मैंने तो 100 गीगावाट कर दिया है. इसके अंदर हमने बर्लिन कर दिया, जो दीपिका ने अभी तीरंदाजी में जो वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता था बर्लिन में. आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस इंदु मल्होत्रा, कौन हो सकते हैं भाई साहब? मैंने तो डाल दिया ज्ञान सुधा मिश्रा. यूसुफ सलीम ऑफ पाकिस्तान हैज बीन इन न्यूज, किस लिए था भाई साहब? ऐसे वो विजुअली इम्पेयर्ड था, इसलिए तो हमने आंसर ही डाल दिया. 81 रिसेंटली द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एंडेड स्मार्ट सिटी, मिजोरम डाला है. इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं लोग वहाँ पे, मणिपुर में भी है, नागालैंड और मेघालय का पता नहीं. रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट सेटेलाइट कैरिंग रॉकेट, मेरे हिसाब से तो इंडिया ही है. अभी कुछ IITs ने लॉन्च किया था कुछ बच्चों ने. डॉक्टर कृष्णा जाखड़ ऑफ राजस्थान हैज बीन अवार्डेड द साहित्य अकाडमी प्राइज फॉर राजस्थानी ट्रांसलेशन 2017. ये गाथा तीस्ता पार रही, गाथा तिस्ता पार रही, आई थिंक सो. 23 राइटर्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर साहित्य अकाडमी बाल साहित्य पुरस्कार. खड़ा करके आ गया. 85 का आंसर बताइए दोस्तों, कमेंट्स कीजिए. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम, हमने तीसरा डाला है, आपने क्या डाला होगा दोस्तों, देखना है इसको. क्वेश्चन नंबर 85 को कमेंट्स में आंसर लिखिएगा सभी आंसर्स का दोस्तों. शेयर कीजिएगा ये वीडियोस ताकि आप अपने इंटेलिजेंट दोस्तों से पूछ लें इसका सवाल. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टेंपल आर्किटेक्चर आर ट्रू? ऑप्शन नंबर 3 माइट बी करेक्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट श्रेणी सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया? इसमें नॉट ट्रू करना था दोस्तों, नॉट ट्रू, हमने तो इसमें गलती कर दी, ऑप्शन ये कर दिया जबकि ये गलत है, क्योंकि ये सही है. क्वालिटी नॉर्दर्न इंडिया कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ मेंबर्स, ये आंसर था इसको मेरे हिसाब से, बाकी सब सही हैं. ओके ओके ओके, एक यही गलत है. हु क्रिएटेड द डिपार्टमेंट ऑफ दीवान ए आर इन दिल्ली सल्तनत? फिरोज तलक कर दिया. मैच द फॉलोइंग, ऑप्शन नंबर 3 शंग क्वेश्चन नंबर 90 चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से इवेंट्स हुए थे दोस्तों, हमने तो वन डाला है इसमें. क्वेश्चन नंबर 91 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें करेक्टली कौन सा मैच नहीं है, आंसर लिखिएगा सी, हमने किया वन इसमें. द रेवोल्यूशनरी हु वॉज नॉट इन्वॉल्व इन हार्डिंग बॉम्ब इंसिडेंट, पता नहीं भाई साहब, उन्हें भोरा डाल दिया. Who played the role of mediator in Gandhi-Irwin Pact? यानी बसंत कर दिया हमें. क्वेश्चन नंबर 94 द मेन सीट पीटर वर्करी सेक्ट इज इन वाराणसी कर दिया. 16 कॉइन्स ऑफ किंग महेंद्र हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स, नगर से क्या होगा, अभी भरतपुर में कुछ मिले हैं वहाँ पे, रिसेंटली न्यूज़ आई थी. विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डस नॉट बिलोंग्स टू गजारा प्रतिहार, अबे गुजर प्रतिहार डायनेस्टी पर बट फर्स्ट कर दिया. इन प्री मेडिवल किंगडम ऑफ राजस्थान द डेजिनेशन नए मितिका,
नेमितिक वाज यूज फॉर चीफ जस्टिस ऑफ ऑफिसर कर दिया। द रेवोल्यूशनरी हु वाज कन्विक्टेड इन द महंत प्यारेलाल मर्डर केस, चोरावर सिंह कर दिया हमें। हु आर द फॉलोइंग नेगोशिएटेड सुबॉर्डिनेट अलाइंसेस ऑफ 1817 से लेके 18 विथ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजपुताना, हमने कर दिया चार्ल्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो दोस्तों, आई थिंक ओनली बी। क्वेश्चन नंबर 101, हु वाज द एडिटर ऑफ त्याग भूमि, का एडिटर कौन था, हमने त्रिपाठी कर दिया। मैच द फॉलोइंग, इसका ऑप्शन वन कर दिया हमने। टेम्पल है कमेश्वर महादेव, कहाँ पे है, शीतलेश्वर, पीपला माता, नीलकंठ, हमने पीपला कर दिया जालोड़, तो बाकी सारे मैच हो गए इसके अकॉर्डिंग टू, तो ऑप्शन वन आ गया 103 के अंदर। देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ द चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज ए जैन टेम्पल, इसमें जैन टेम्पल कौन सा है, हमने तो ऊपर वाला ही कर दिया इसके अंदर, ये कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स डज नॉट बिलोंग टू अलवा स्कूल ऑफ पेंटिंग, है जमुना दास। विच अमंग इज द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें क्वेश्चन नंबर 105 के अंदर कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, हमने तीन कर दिया है। द सिंगिंग ट्रेडिशन विथ विच गौरी देवी वॉज एसोसिएटेड, ठुमरी कर दी है ठुमरी। द प्रिंसली स्टेट विच वॉज नॉट द पार्ट ऑफ राजस्थान यूनियन फॉर्म्ड ऑन 25 मार्च 1948, आई थिंक प्रतापगढ़। 108 द डांस फ्रॉम रिलेटेड टू गर्सिया ट्राइब इज, तेरताली माइट भी तेरताली हो सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विजय ध्यान डेट, आई थिंक सो इट माइट बी ऑप्शन थर्ड। मैच द लिस्ट ऑफ वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, इसके अंदर से ऐसे फर्स्ट चाहिए। 111 का देखिए दोस्तों, अमंग द मैथमेटिकल इंडिसेस फॉर मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी विच वन शोज द मीन स्पाइसेस डाइवर्सिटी इन अ हैबिटेट एट अ लोकल स्केल, नन ऑफ दीज आई थिंक सो। वुमन सेंट दयाबाई वाज अ डिसिप्लिन ऑफ सेंट राईदास, हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 का हमने टू ऑप्शन डाला है इसके अंदर, एक का सेकेंड खेल अल्बर्ट एस्ट्री बाल्टिक, बी का फोर्थ सो का आ गया फोर्थ लेक सुपीरियर एंड लेक हुरनन, देख लीजिएगा दोस्तों। विच क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट सिचुएटेड इन ईस्टर्न घाट्स, हमने सिंक्रम गुट्टा कर दिया। विच इज नॉट ए करेक्ट मैच, माशा हिमाचल प्रदेश ही हो सकता है। विच इज नॉट ए करेक्ट मैच ये हो सकता है। 117 द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेल इज कोलैबोरेटिंग विद आईसरो टू डेवलप, अरे यही हो सकता है, इस बाकी तो क्या है कुछ नहीं। जयपुर राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, ये जालो जयपुर अलवर सीकर बरवाड़ा जाड़ोला रघुनाथगढ़ भानगढ़ कहाँ पे स्थित है, इनसे मैच करना आपको। क्वेश्चन नंबर 19, गिरवा हिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन हिल्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ विंध्यान रेंजेस इन राजस्थान, गिरवा हिल्स है क्या, हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 120 हमने किया है फोर्थ में टिक किया है। कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, लॉजिकल क्वेश्चन था ये। द डस्ट स्टॉर्म्स ओरिजिनेटिंग इन राजस्थान इन मे एंड जून मंथ्स आर कॉज्ड ड्यू टू, ऑप्शन ए ओरिजिन ऑफ कॉन्वेक्शनल करंट्स एट फ्यू प्लेसेस, बी अरावली हिल्स, अरावली हिल्स आर पैरेलल टू साउथ वेस्टर्न विंड्स, सी ओरिजिन ऑफ फास्ट स्पीडी ईस्टर्ली विंड्स,
माइट बी ऑन सेकेंड एंड थर्ड, सी सही हो सकता है। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग? मार्बल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन रूल राजस्थान, मिनरल पॉलिसी डिस्ट्रिक्ट, मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट रूल्स राजस्थान, माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स, ऑल ऑफ दीज हो सकता है सही। 123 देखिए, जवाई प्रोजेक्ट कहाँ पे है? उदयपुर एंड प्रतापगढ़। जाखम प्रोजेक्ट कहाँ पे? हनुमानगढ़ एंड चूरू। नर्मदा प्रोजेक्ट कहाँ? जालौर पाली जोधपुर। सिद्धमुख प्रोजेक्ट कहाँ? जालौर एंड बाड़मेर। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन टू है, ए का फोर्थ, सिद्धमुख है हनुमानगढ़ एंड चूरू में, बी नर्मदा वन जालौर एंड बाड़मेर। हो नहीं सकता है वैसे तो, नर्मदा यार कहाँ पे नर्मदा है पता नहीं। सी जवाई प्रोजेक्ट इसका सेकंड होगा, जालौर पाली और जोधपुर, और जाखम प्रोजेक्ट थर्ड ऑप्शन, उदयपुर एंड प्रतापगढ़। देख लीजिएगा दोस्तों आंसर करेक्ट है या नहीं है, कोई गारंटी नहीं है अभी। 124, फ्रॉम विच एरिया ऑफ राजस्थान द मैक्सिमम क्रूड ऑयल प्रोडक्शन वॉज रिसीव्ड इन द ईयर 2017-18 अप टू दिसंबर 2017 तक? सांचौर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन से हो सकता है, बीकानेर नागौर बेसिन से या जैसलमेर बेसिन से। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया एंड राजस्थान? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, देख लेना लॉजिकली लगाया इसमें 31 से 44%। विच अमंग द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इन राजस्थान? ए बी एंड डी। सीमेंट तो है ही राजस्थान का नहीं, जिंक भी है और थर्ड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तो है नहीं हमारे यहाँ पे। 127, एज पर 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान आर हैविंग लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब एंड पॉपुलेशन इन देयर? बीकानेर एंड नागौर हो सकता है। 128, प्रपोज्ड ऑयल रिफाइनरी एट पचपादरा पाड़मेर इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ, भाई साहब ये देखिए एच पी एल एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, लोगों ने कहीं ये ना कर दिया हो। इसका आंसर करेक्ट थर्ड है, क्योंकि ऊपर वाला फर्स्ट ऑप्शन भी मैच मिलता जुलता, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की हिस्सेदारी है उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 129, राजस्थान इज ऑलमोस्ट अ सोल प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? सोल प्रोड्यूसर भाई साहब लीड एंड जिंक का, सीसा और जस्ता, आयोस जस्ता का होता है अजमेर में ज़्यादा होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वाज वेयर हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990? हमने तो एक 1926 में हुआ होगा। हु वाज ऑर्डर्ड गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया? अग्रवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिगार्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? पता नहीं, 132 का हमने तो टू किया है, 133 का एडिन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 134, विच इज नॉट अ करेक्ट मैथ्स? इसके अंदर कौन सा किया दोस्तों आप लोगों ने? 134 का सवाई माधोपुर लोइन, देख लीजिएगा हमने तो ये किया है। 135, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेयर मेंबर्स ऑफ द सवर्ण सिंह कमेटी 1976? आई थिंक थर्ड। 136 का कौन सा आंसर करेक्ट है? थर्ड, दमन एंड दीव माइट बी करेक्ट, आई एम नॉट श्योर। ओके, 137 का आंसर दोस्तों शायद से फर्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर 138 का 38 का नहीं पता, बड़ा ही वैसा है वैसा। दोस्तों आंसर लिखिएगा कमेंट्स में हम, ताकि लोग अपने आंसर्स मैच कर लें। 139 का क्या है दोस्तों? कितना हो सकता है मैक्सिमम? 21। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनेंशियल कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? 141, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन लाइक मैनर एज चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? ओके, 142, सेंट्रल विजिलेंस
कमीशन वॉज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया 143 इन विच कंट्री द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वॉज ओरिजिनेटेड आई थिंक इन कनाडा लॉजिक है द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 87 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसका आंसर दोस्तों फोर्थ हो सकता है क्वेश्चन नंबर 145 मैच कीजिए 145 का आंसर है इसे फोर हो सकता है 146 का दोस्तों क्या आंसर है थर्ड वन फोर्टी सेवन का दोस्तों कोड्स ए बी सी एंड डी ऑल आर करेक्ट इन दिस 148 का दोस्तों जोशी साहब की है चीफ मिनिस्टर हैव नॉट हेल्ड द पोस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं इसका कोड देना था आपको तो कोड तो हमने तो दे ही दिया अशोक गहलोत तो सुंदर राजेश सी ओ डी कर दिया आफ्टर रिसीविंग कंप्लेंट अगेंस्ट फॉलोइंग ऑफ हिज पीरियस लॉक राजस्थान कैन नॉट मेक इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट चेयरमैन ऑफ द स्थायी समिति और पंचायत समिति 150 द लास्ट क्वेश्चन दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रूल ऑफ राजस्थान हैज ए प्रोविजन ऑफ ए जॉइंट मीटिंग ऑफ ग्राम सभा आई थिंक ऑप्शन नंबर थर्ड राजस्थान पंचायती राज मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोविजन इन देयर एप्लीकेशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज रूल 2011 तो दोस्तों ये था अपने आर एस फ्री 2018 का एग्जामिनेशन का कुछ मैंने रिव्यूज़ किया है क्वेश्चन पेपर मैंने डाल दिया है सेट ए है तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें कमेंट करें लाइक करें बेल रिंग को प्रेस करें और जितने भी आपके आंसर्स हैं या 150 जितने भी आपके आंसर्स हैं कमेंट में लिखिएगा आंसर इनके तो बाकी मैं आंसर की अभी जल्दी अपलोड करूँगा तो दोस्तों जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद